आंधी आ रही है, आंधी मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, सारे कर्टन इधर के उधर हो गए हैं और देखिए पेड़ पौधे झूम रहे हैं, बारिश हो रही है। वाह, अमरूद का पेड़ देखिए कैसे हो रहा है, ये बारिश हो रही है। ये मेरा गार्डन देखिए, गार्डन की क्या हालत है, घास कैसी होगी, अब न्यू न्यू घास आएगी। ये देखिए बारिश, ये देखिए पशु पक्षी परेशान हो जाएंगे। देखिए स्काई में अब सब कौवे भीग जाते हैं, फिर वो पेड़ की शेल्टर लेते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और लगातार पानी उनके ऊपर, तेज़ बारिश में वो पेड़ पे बैठे रहते हैं और पानी की तेज़ धार उनके पर पड़ती है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। मैंने देखा है कौवों को, वो बहुत बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन पानी की ज़रूरत भी है, बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। और बारिश होने के लिए क्या होता है, बादलों का उड़ना, बादल जब उड़ते हैं तो हवा से उड़ते हैं, जब बहुत ही तेज स्ट्रीम आती है एयर की तो उससे बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए रेनी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, बारिश हो जाती है, बस ये रहता थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है और सफाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सफाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही कीचड़ हो जाता है, आंधी आंधी आती है, विंडोज़ बंद करनी पड़ती है, अदरवाइज डस्ट बहुत सारी आ जाती है। लेकिन ठीक है, सफाई कर लेते हैं हम लोग, क्लीनिंग तो ज़रूरी होती है। डस्ट देखिए ये सब चीज़ों में कितना डिपॉजिट हो जाता है, तो बारिश होने से क्या होती है, डस्ट जो है पूरी आ जाती है। उसी तरह हमारा जो आकाश में जो बादल है, जो भी इम्प्योरिटीज़ जो बादलों में अकुमुलेट होती है, वो भी बारिश के थ्रू सब जो है आ जाती है नीचे। ये देखिए पतंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, पतंगे उड़ रहे हैं, देख रहे हैं पतंगे कैसे उड़ रहे हैं, ये देखिए पतंगे कैसे उड़ रहे हैं। ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश हो रहा है, मेरे लड्डू गोपाल जो है बारिश का आनंद ले रहे हैं। देखिए चीचू बोल रहा है, अब मैं लड्डू गोपाल के साथ बैठ के जो हूँ सत्तू खाऊंगी आज। देखिए मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट्स नाइस टू रेन टुडे। देखिए चना है, तो ये क्या है, रोस्टेड है। देखिए इसके छिलके दिख रहे हैं आपको, ये रोस्टेड है, तो इसको जो आप अलग कर सकते हैं और फिर इसको आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, तो ये भी एज अ सत्तू जैसा हो जाएगा आपका। और मार्केट में क्या होता है, बिना छिलके के भी आते हैं, आप केवल ऐसे सिंपल आता है, तो इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं, हरी मिर्च और धनिया की चटनी के साथ आप खा सकते हैं, और इसको ऐसे आप सेपरेट कर लीजिए। और मार्केट में अवेलेबल होता है बिना इसके भी, और ये जैसे इसको आप अलग कर लीजिए, ये ऐसे निकला हुआ था, बस इसको ग्राइंड करना रहता है आपको, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और रेडीमेड सत्तू भी आता है, तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, गर्मियों में जो है सत्तू का सेवन जो है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। सत्तू की जो तासीर जो होती है काफ़ी ठंडी होती है, ठंडी इन द सेंस कि सत्तू खाने से आपको काफ़ी ठंडक महसूस होती है। तो सत्तू कैसे खाएं, तो सत्तू खाने के बहुत से तरीके हैं। सत्तू का आटा, आप आटे में मिला के रोटियाँ बना सकते हैं, आप जो है जैसे लिट्टी बाटी बनाते हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आटे में सत्तू को फिलअप करके बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका, सत्तू का जो रियल टेस्ट आपको लेना है, तो आप उसका एक पेस्ट बनाइए, एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए और उसमें थोड़ा सा जो है शुगर मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए, और अमिया की जो है चटनी बनानी है, अमिया इन द सेंस की जो कच्चे आम आ रहे हैं, तो आप उसको ले लीजिए, उसमें पुदीना डालिए, हरी मिर्च डालिए और थोड़ा सा मीठा डालना है, जगरी पाउडर डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, तो वो चटनी है, तो आप एक पेस्ट जैसा आपका बन जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे बनता है, आप उसको चटनी के साथ सर्व करिए, तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा रहेगा, थोड़ा चटनी रहेगा उसके साथ जैसे खाते हैं। यूजली होता है कि सो के उठते हैं तो शाम को लगता है इवनिंग का कोई ब्रेकफास्ट चाहिए, तो इवनिंग फास्ट के लिए आप कर सकते हैं कि सो के उठने के बाद आप थोड़ा सा
एक सत्तू का पेस्ट बना लीजिए और अमिया की चटनी बना लीजिए और खा लीजिए। मेरे दादी बाबा जो है सत्तू बहुत खाते थे, स्पेशली मेरे बाबा खाते थे, और समर्स में रहता था बाबा यूजली आफ्टरनून में जो है सत्तू बनाते थे, दादी मेरी चटनी बनाती थी और सब लोग जो है सत्तू और चटनी खाते थे। तो यूजली देखिए इट इज़ अ गुड फूड, स्टेपल फूड भी बोल सकते हैं आप उसको। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है यदि कुछ भी नहीं है, आपको पकाने का मन नहीं है, तो सिंपली आपने पेस्ट बनाया और थोड़ा सा ग्राइंड किया, 5 मिनट्स 10 मिनट्स में इट्स रेडी टू ईट, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो यूजली जो एजड पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना आपका वीक हो जाता है। देखिए यदि आप यंग स्टेज से ही यदि आप पीस के खा रहे हैं, यदि आप ग्राइंड करके खा रहे हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। यूजली देखिए क्या होता है कि जितना आप काम करेंगे आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से बहुत ओवरलोडिंग भी नहीं करनी है, बहुत मिनिमम भी नहीं रखना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे पेस्ट बना रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, इससे आपका स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक होता जाएगा। तो हमें वीक भी नहीं करना है, हमें उसको स्ट्रांग बना के रखना है। लेकिन कुछ एजेड पर्सन होते हैं, उनको दिक्कत है, तो अपना अपना पेस्ट बना लिया या लैया भून लिया, कुछ ऊपर की चीज़ें खा ली, तो ये सब इस तरह से रहता है। और ये आपका पुदीना है, और ये हरी मिर्च है, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका जगरी पाउडर है, गुड़ ले सकते हैं आप इसको, बस ग्राइंड करेंगे मिक्सी में और इसको जो है चटनी बना लेंगे उसमें, फिर इसको हम सर्व करेंगे सत्तू के साथ में। देखिए ये सत्तू है और इसको जो है मैंने इसमें खाली करके फिलअप कर दिया है, एयर टाइट बॉक्स है हमारा, और ये बाउल है, ये मैंने चटनी बना के रेडी की है। अब इसमें से मैं इसमें डालूंगी और थोड़े से पानी के साथ थिक पेस्ट बनाऊंगी, और इसमें आप शुगर भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसमें जगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसमें ज़्यादा मीठा नहीं रखेंगे, बस एक स्पून में डालूंगी जगरी पाउडर, और इसमें हम मैं घड़े का ठंडा पानी डालूंगी। देखिए घड़े का ठंडा पानी है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल पेस्ट हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए 5-10 मिनट के लिए, अच्छे से ये पानी में सोक कर जाएगा, जो इसमें लंप है वो भी हट जाएगा, और ये प्रॉपर इसमें गांठ भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा सा हो जाएगा। फिर इसको हम सिंपली ऐसे ही खाएंगे बारिश में, गर्मियों में इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और ये बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसको आप सोने के बाद खाइए, सो के उठिए शाम को, थोड़ा सा आप कुछ खा सकते हैं हल्का सा। देखिए कैन सर्व दिस, इसमें जितना भी आप थोड़ा सा इसमें सॉस को ऐसे ऊपर से डालेंगे और इसको आप खा सकते हैं, जितना भी आपको मन हो डालने का आप इसमें ऐड करके खा सकते हैं।